इंडिया के अंदर पहले कच्चे रोड थे, कच्चे घर थे और बाग बगीचे ज्यादा थे, जिससे कि गर्मी और सर्दी महसूस नहीं होती। अब ठीक है, कंक्रीट तो बना दिया, लेकिन पेड़ पौधे कितने कम कर दिए। पहले बर्फ यहाँ थी, आज वहाँ कैसे पहुँच गए, उस पर्वत पे कैसे पहुँच गए जो हम उठा करके देखते थे, आज वो हमारे को दर्शनों के लिए दूर से नजर आती। तो इससे फर्क पड़ता है। हिमाचल में जो चीड़ की लकड़ी पैदा होती थी, सुगंध उठती थी वहां से, आज वो पर्वत जो है सूने खड़े हुए, बिल्कुल सूने हैं। हमारी ससुराल मथुरा के अंदर है, उसमें कम से कम 50 पेड़ थे नीम के या जामुन के या आम के, आज उस गांव के अंदर एक पौधा नहीं मिलेगा। मैं खुद देख करके हैरान रह गया, गया था मैं भी साल भर पहले, जब देख करके हैरान रह गया, क्यों इतने इतने बड़े काट दिए, किसके लोभ से, एक जगह के लोभ से और पैसे के लोभ से। तो हिंदुस्तान ये अपने आप बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अपनी सोच से यदि पेड़ पौधे लगाएंगे तो इनको पानी भी मिलेगा और अन्न भी मिलेगा। अगर ये चीज इन्होंने छोड़ दी तो कलयुग का वर्णन पढ़ना रामचरितमानस के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि आदमी दो ही प्रकार से मरेगा, ना झगड़े से मरेगा ना रगड़े से मरेगा, एक भूख से और प्यास से मरेगा, दूसरी तीसरी चीज कोई बीमारी भी नहीं होगी, लेकिन दो ही चीजों से मर जाएगा।